Hi friends, today we will discuss the topic that is amplification of gene of interest. क्योंकि बायोटेक में पढ़ते हैं कि कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं डिजायर जीन को. मान लीजिए हमने किसी सेल के अंदर से हमने एक डीएनए पोर्शन निकाल दिया. मान लीजिए ये डीएनए का पोर्शन नहीं है, ये डीएनए का ये छोटा स्ट्रैंड है जिसको हमने एक किसी एक साइड से आइसोलेट किया हुआ है, राइट. मान लीजिए ये साइड ऐसी है तो उसको हमने किसी सेल से आइसोलेट किया है, और मान लीजिए मैं इसको थोड़ा डार्क दिखा रहा हूं यहां पे कि ये जो पोर्शन है इसको जो डार्क दिखा रहा हूं, ये जो डार्क दिखा रहा पोर्शन है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब क्या करते हैं, ये जो डीएनए हमारा होता है इस डीएनए क्या करते हैं, डीएनए को हीटिंग करते हैं. क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उन्हें हीटिंग करते हैं. हीटिंग से क्या हुआ, हीटिंग से की डीएनए हुआ डीनेचुरेशन. क्या हुआ सर, डीनेचुरेशन हो जाएगा, डीएनए टूट जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगी. हीटिंग इसको लोग 90 से लेके 92 डिग्री सेल्सियस पे इसको तल के गर्म किया जाता है. इसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे इस तरह से, लाइक दिस 2 3 4 5 6 7 8 9. इस तरह 9 ऑक्सीजन है, वन ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is 12. हमने यहाँ पे लिया है. अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इमेजिन करिए कि ये इसका दूसरा स्टेट है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 and 12. इसकी क्या साइड होगा, इसकी यहां पे क्या आएगा, इसकी यहां पे r प्राइम आएगा, ये 5 प्राइम साइड होगी, 3 प्राइम होगा. ये दो साइड से क्या है, ये r में प्राइम है, r में प्राइम है. इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडलिंग. क्या बोलते हैं इसको, एंडलिंग बोलते हैं इसको, एंडलिंग. एंडलिंग का मतलब ऐसा होता है. अब यहां पे क्या होगा, ये आगे प्राइमर दोनों साइड घूम रहा हुआ है. इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद डीएनए रिकॉर्ड करेगा वापस, ये वापस से बनेगा यहाँ पे. यहाँ पे हम यहाँ पे एक आर में कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपनी वर्क करता है, और वो होता है उसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे. टैग पॉलीमरेज बेसिकली कहां से निकाला जाता है, ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ये सर्किट एक्चुअली ये डीएनए पॉलीमरेज ही होता है. क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज ही होता है, जिस टैग को डीएनए पॉलीमरेज ही कहते हैं. लेकिन इसको निकाला जाता है फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरिया से. क्यों, क्योंकि थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं. कहां सर्वाइव करते हैं, दे सर्वाइव हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं. इसी कारण से डीएनए पॉलीमरेज को थर्मल सेपरेटिव से निकाला जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे सर्वाइव इन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट. तो यहां पे टैग पॉलीमरेज, तो किसी ने आया था इस वजह से पूछा गया था कि हम थर्मल सेपरेटिव स्पेक्ट्रिया का टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं. इसका रीजन ये होता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज होता है हाई वेवलेंथ पर काम कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है, लेकिन वुमेन का ऐसा काम नहीं कर सकता. वुमेन का 37 पे वर्क करेगा, मैक्स 38 उसके बाद वर्क नहीं करेगा, बट ये काफी हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है थर्मल सेपरेटर्स का, इसलिए इसको निकाल लेते हैं. ये आर्च बैक्टीरिया होते हैं, प्लस इसमें न्यूक्लियोटाइड एंटिटी रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स.
न्यूक्लियोटाइड जाएंगे। अब क्या होगा ये डीएनए दोनों तरफ बंधन स्थापित देगा, ये ऊपर वाला पीस मिल जाएगा 1 2 3 इस तरह बन जाएगा। तो सीमेंट नेट डीएनए बन गई। आप देख लीजिए नेक्स्ट स्ट्रैंड बन चुका है डीएनए, तो इसे क्या करेंगे स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा राइट। तो ये नेक्स्ट स्ट्रैंड बन गया। तो दिस इज द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड सीमेंट से नीचे दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। ये बनेगा दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 5 प्राइम एंड एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। ये बन गया। तो ये इस साइड पे क्या होता है, ये डिनेटेड तो ये एंडिंग था। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सब से कहते हैं, इसको कहते हैं हम हमें एक्सटेंशन। क्या होता है इसको एक्सटेंशन कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ ना सॉरी मैं इसको उल्टा कर दिया हमने, ये एक्सटेंशन एंड दिस एंडिंग एंडिंग होगी। अब इसके बाद हम 30 साइकिल में, ये 30 साइकिल में, 30 साइकिल में अप्रोक्स इस साइकिल में अप्रोक्स 1 बिलियन से ज्यादा डीएनए फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। 1 बिलियन से ज्यादा डीएनए जीनोम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे में फॉर्म करा सकते हैं, इसी से फॉर्म करा सकते हैं 30 साइकिल में मोर देन 1 बिलियन से ज्यादा राइट। So this process is known as abbreviation of gene of interest or BCR process.